आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर आप किस तरीके से खुद के एंड्रॉइड फोन से कलर ग्रेडिंग बिल्कुल हाई लेवल में कर सो है गाइस, मेरा नाम आर्यन और आप सबका स्वागत है हमारे वीडियो चैनल में। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर आप किस तरीके से खुद के एंड्रॉइड फोन से बिल्कुल हाई लेवल की कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से मैं भी अपने वीडियोज में कलर ग्रेडिंग करता हूँ और उससे मेरे को रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। सो यहाँ पर मैं अभी कलर ग्रेडिंग को हटाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे वीडियो की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा लो हो जाती है और जब हम यहाँ पर कलर ग्रेड को ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे वीडियो की क्वालिटी और जब हम यहाँ पर कलर ग्रेड को ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं कलर ग्रेड करने के बाद आपका वीडियो किस तरीके का दिखता है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ तो कि आप इस एप्लीकेशन से कलर ग्रेड करें और अपने वीडियोज को अपलोड करें तो आपको बहुत ही ज्यादा उन दोनों वीडियोज में डिफरेंसेस मिल जाएगा। तो जहाँ टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मैं यूज करने वाला हूँ इनसॉर्ट एप्लीकेशन जिसकी मदद से यहाँ पर कलर ग्रेडिंग ट्यूटोरियल आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग को कोई भी एक वीडियो को मींस सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को एक ऊपर सीजर का ऑप्शन दिख रहा है तो वहाँ से आप जाकर वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ट्रिम नहीं करना है तो मैं राइट पर क्लिक कर यहाँ से सिंपली से राइट पर क्लिक करता हूँ। राइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपको म्यूजिक का ऑप्शन है। यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे म्यूजिक इफेक्ट्स हैं और यहाँ पर माई म्यूजिक आप अपने गैलरी के म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर इनसॉर्ट ने भी अपने म्यूजिक दिया आप उसे भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप खुद के भी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड पर क्लिक कर यहाँ पर आप लोग को स्टिकर का ऑप्शन है। यहाँ पर आप GIF भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनसॉर्ट एप्लीकेशन में GIF सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आप इसके लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से आपको एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है तो आप इसकी मदद से कुछ भी अच्छा सा टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना खुद का नेम लिख रहा हूँ और नेम लिखने के बाद यहाँ पर आप लोग को इसका कलर चेंज करना है तो एडिट पर क्लिक करना है। सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वाइट मैं इसका कलर रख लेता हूँ और यहाँ पर आप लोग को मैं अपने ब्लैक कर्टन पे से रख देता हूँ। रखने के बाद आप लोग को इधर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ तो आप इसे फिंगर की मदद से पिंच टू जूम और पिंच टू जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। राइट पे क्लिक करना। राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ डुप्लीकेट है तो मैंने इसे डुप्लीकेट कर दिया और मैं लास्ट वाले के वॉल्यूम को डिक्रीज पूरा लो कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रांजेक्शन का एक ऑप्शन है तो आप इसकी मदद से भी ट्रांजेक्शंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोग को बहुत सारे यहाँ पर ट्रांजेक्शंस मिल जाएंगे। आप कुछ भी ट्रांजेक्शन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर इसके पूरा मीन्स इसको स्लो कर दिया हूँ। यहाँ पर आप फिर आप लोग का जो सबसे मेन काम होता है आप लोग को फिल्टर पे क्लिक करना है। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद हम फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिनेमा 1, सिनेमा 2, सिनेमा 3 बहुत सारे ऑप्शन, तो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ सिनेमा 1 और इसकी थोड़ी कैपेसिटी को डिक्रीज़ करता हूँ। यहाँ पर टिंट का एक ऑप्शन है, मैं ज़्यादा उसे यूज़ करता हूँ और उसके बाद सैचुरेशन है उसे भी आप बढ़ा सकते हैं। और HSL में यहाँ पर जो मेरे मीन्स जो वॉल है ब्लू है तो मैं इसे ग्रे भी कर देता हूँ और जो ये कर्टन है आप लोग को इतना ब्लैक नहीं दिखता होगा तो मैं इसके लिए पूरा शैडो को जीरो कर देता हूँ, जीरो से भी लो कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस कलर पे क्लिक करता हूँ और इसे पिंक कर देता हूँ जिससे पिंक कलर का मीन्स कुछ इफेक्ट आए और इसे भी मैं पूरा मीन्स कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ और इसे राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को इसे सेव करना है तो जब तक सेव होता है तब तक हम वेट करते हैं। सो फाइनली ये सेव हो चुका है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।